वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड मैटर वेव। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं चैप्टर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, और इसमें इससे प्रीवियस लेक्चर्स की मैं बात करूँ तो वहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी। इन तीनों ही चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर समझेंगे कि मैटर वेव क्या होती है, एंड द सेकेंड टॉपिक इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, इनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर हेडिंग डालो मैटर वेव। सबसे पहले आप हेडिंग डालो मैटर वेव कि मैटर वेव क्या है। मैटर वेव पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, मैं बात करूं रेडिएशन की। किसकी बात कर रही हूं मैं? रेडिएशन की। तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। कैसे? कि ये रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और ये रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव करती है ना। लाइक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां पर आप फोटोन इंसिडेंट करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में जो आपका वेव था, उसमें हम वेव में हम कौन सा नेचर कंसिडर करके चल रहे थे? पार्टिकल नेचर। हाउ हाउ हम वहां पे बात कर रहे थे फोटॉन्स की बात कर रहे थे, जिन्हें हम एनर्जी पैकेट से डिफाइन कर रहे थे। फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स ना, एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, दैट टाइम तो आपने क्या बोला कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। इसके अपोजिट में बात करूं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या हम बात करें डायफ्रेक्शन। इन सब एक्सपेरिमेंट में आप रेडिएशन को लेकर चलते हो एज एन वेव नेचर। किसकी तरह? एज एन वेव नेचर। तो रेडिएशन का हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना है तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि इसका ड्यूअल नेचर होता है। इस बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज इट्स बिहेव लाइक वेव। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। नाउ इसके बाद डे ब्रोगली ने क्या बताया? इसके बाद आए लुइस डे ब्रोगली, और अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली मूविंग पार्टिकल, क्या बोल रही हूं मैं? मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मूविंग पार्टिकल भी इसी तरह की वेव के नेचर को शो करता है। मूविंग पार्टिकल शो शो दिस टाइप्स ऑफ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर पार्टिकल पार्टिकल इज वेल इज वेव नेचर दिस टाइप ऑफ वेव दिस टाइप्स ऑफ वेव दिस टाइप्स ऑफ वेव इज नॉन इज मैटर वेव। क्या बोलते हो आप इस टाइप की वेव को ही? मैटर वेव बोलते हो। अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट टाइम वो पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो करेगा। कैसे शो करेगा? कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। दैट टाइम दिस टाइप ऑफ वेव इज नॉन एज मेटर वेव। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये जो मूविंग पार्टिकल है वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और आपका वेव नेचर भी शो करेगा। वेव नेचर इट मीन लाइक दिस। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नॉन एज मेटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। क्या बोलोगे? और डी डी ब्रोगली वेव। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर। 2 मार्क्स में यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1.5 मार्क्स में, तो आपको ये डिफाइन करना है इस तरह से। ठीक है, नाउ अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को भी समझ लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है और डी ब्रोगली फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, करते हैं हम इसको इरेज, आगे बढ़ो।
मैटर वेव हमें समझ आ गया कि पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो वो ड्यूअल नेचर रखता है, पार्टिकल इन एज वेल एज इन वेव, और दिस टाइप ऑफ वेव इज नॉन एज डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं रिलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फोर डी ब्रॉगली वेव. ठीक है, डी ब्रॉगली वेव मतलब मैटर वेव, तो आप इसको मैटर वेव भी बोल सकते हो, डी ब्रॉगली वेव भी बोल सकते हो. तो क्या करें, पार्टिकल ले लेते हैं, पार्टिकल ले लिया, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो मूविंग पार्टिकल. क्या लिखो यहाँ पे, मूविंग पार्टिकल. ठीक है, सो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद विद दिस दिस मेटर वेव इज डिफाइंड बाय लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी. इफ मोमेंटम हमने वी वेलोसिटी डिफाइन कर दी, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है एंड मोमेंटम वो क्या है आपका पी, क्या है मोमेंटम पी. दैट टाइम आप डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे, एच बाय पी. हियर हियर एच इज प्लांक कॉन्स्टेंट, एच इज प्लांक कॉन्स्टेंट. क्लियर है, लिख लेना आप इसकी वैल्यू भी लिख लेना. ठीक है, एच यहाँ पर क्या है आपका प्लांक कॉन्स्टेंट है, ओपी यहाँ पर है मोमेंटम मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ दिस दिस मैटर मैटर वेव वेव इज डिफाइंड बाय न्यू इक्वल टू ई बाय एच. ई यहाँ पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है. ठीक है, और एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से मैटर वेव मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है दैट टाइम जो वेव है. ठीक है, तो मैटर वेव के लिए वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी. फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो ई बाय एच, तो यहाँ तक लिखिए. इसके बाद हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं फॉर द रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, कर द इरेज. ओके, देखो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोर या लैम्डा. ठीक है, एच बाई पी फोर फोर रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. क्लियर है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए. ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बताओ फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना बेटा हमने, क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी. ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर रिलेटिविस्टिक एंड 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 नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. दिस इज वैलिड फॉर बोथ बोथ रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स. ठीक है, अब देखो रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के मतलब समझते हो ना, मैं भी समझा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स. देखो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, वहां पर आप क्या लेके चलते हो, वी इज अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ लाइट. सी यहाँ पर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो आप जो पार्टिकल का वेलोसिटी लेकर चलते हो, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हम ई डिफाइन करते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4. वहां पर एम नोट होता है रेस्ट मास, क्या होता है ये रेस्ट मास, और सी वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, पी इज मोमेंटम. ठीक है, एंड पी हम बेटा डिफाइन करते हैं वहां पर एम वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. ठीक है,
नाउ हमारा टारगेट क्या है, मुझे तो वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। हाउ वी कैलकुलेट, लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, ठीक है, एच बाई पी, क्लियर है पी। अब मुझे पी नहीं पता, तो पी को कैलकुलेट करने के लिए मैं ई के पास जाऊंगी। ई मुझे पता है कि ई कितना है आपके पास, तो मैं ई स्क्वायर लिखू डायरेक्टली, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एम नॉट स्क्वायर या एम लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स रिप्रेजेंट रेस्ट मास। तो बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखो आप, यहाँ से पी स्क्वायर को आप क्या बोलोगे, वन अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, आपका फॉर्मूला है ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4। नाउ नाउ फॉर द रिलेटिव स्टिक पार्टिकल, फॉर द रिलेटिव स्टिक पार्टिकल्स पार्टिकल्स आपका जो एनर्जी होता है वो रिप्रेजेंट करते हो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। इस तरह से हम एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, या फिर हम बात करें तो ई इक्वल टू के प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ से मुझे ई पता लग गया कि ई कितना है, के प्लस एम सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो है 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर बेटे, ई स्क्वायर है मतलब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा के प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो बेटा यहाँ से पी में क्या बोलूंगी, 1 अपॉन सी, ठीक है, पहले पी स्क्वायर लिखो, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद लिख देंगे ना अपन। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो हाउ वी राइट, के स्क्वायर प्लस 2kmc स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ से देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो आपके पास पी कितना आ रहा है बेटा, पी आ रहा है आपका 1 अपॉन सी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे दोनों टर्म बची, इसमें से मैं के कॉमन ले रही हूँ, तो के प्लस 2mc स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ पे। तो बेटा बाय इक्वेशन वन वी कैन से लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, सो पुट कर दो पी की वैल्यू। यदि हमने वैल्यू पुट करी पी की, तो आपके पास कितना आ रहा है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ के के प्लस 2mc स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में सी है तो वो ऊपर जाएगा, एंड दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करी है फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब टारगेट क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। तो कर दें हम इसको इरेज, ओके। उधर देखो, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो सी के बराबर नहीं होती, अप्रोक्सीमेट इक्वल भी नहीं होती, तो आप सेकेंड इसमें डालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ वेवलेंथ फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। इधर देखो, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एंड 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 एनर्जी एनर्जी ई आपका कितना होता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको हम मोमेंटम के फॉर्म में लिख लेते हैं, मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिखे मोमेंटम के फॉर्म में बताओ, एम वी है तो इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, अरे बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम क्या करें, इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको हमने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आपका क्या बना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या मैं पी स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस, तो दिस इज पी स्क्वायर बाय 2m। तो बेटा यहाँ से पी कितना आ रहा है, अंडर रूट 2me, ठीक है, और इजी हो गया अब तो बहुत, लैम्डा हमें कितना पता है, एच बाय पी, तो पुट कर दे एच अपॉन अंडर रूट 2me, सो दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो इसको भी हैशटैग लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आ जाता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर डी ब्रोगली
कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. ठीक है, कैलकुलेट करोगे, दोनों फॉर्मुलाज गिर हैं, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों फॉर्मुलाज रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ आप द क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनता है, आ जाता है एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है. तो डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की भी इसी के साथ साथ. इसके लिए मुझे फोन लेना पड़ेगा. इधर देखो, न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए. यस, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्वेश्चन लिख लाऊं, क्वेश्चन है कैलकुलेट 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 द डी ब्रोगली वेवलेंथ, द डी ब्रोगली कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, फोर फोर मूविंग इलेक्ट्रॉन, फोर मूविंग इलेक्ट्रॉन, फोर मूविंग इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी 10 की पावर, विद वेलोसिटी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखो इधर डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेराइव डेराइव लिख लो आप क्वेश्चन, फिर आंसर करते हैं अपन. डेराइव डेराइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली डेराइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल पार्टिकल थ्रू थ्रू पार्टिकल थ्रू पोटेंशियल पोटेंशियल वी, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. चलो अभी ये दोनों क्वेश्चन तो करते हैं पहले. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन. डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी. ठीक है, आपको गिवन है वेलोसिटी, तो एच अपॉन एम वी, क्यों, मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है. एच यहाँ पर होता है प्लांक कांस्टेंट. ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, 6.63 × 10⁻³⁴. यही होता है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन. −34, सही है सही है सही है, −34 जूल. सेकेंड, ठीक है, और एम वी लिख लेते हैं अपन, 9 × 10³⁹, −31 kg. ठीक है, क्या करना है बच्चों का, ये मैं वैल्यूज पुट कर दो, 6.63 × 10⁻³⁴ इट्स डिवाइड बाय एम वी, एम ये रहा 9 × 10⁻³⁹, इट्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन आपको 10⁻⁷. तो इसको सिंप्लीफाई करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है. सेकंड पढ़ो, डेराइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल थ्रू पोटेंशियल वी. देखो इधर, लैम्डा इक्वल टू आपके पास कितना होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2 ME. ठीक है, और एच कितना है, अभी ऊपर लिखा हुआ है 6.63 × 10⁻³⁴, इट्स डिवाइड बाय अंडर रूट 2 M, 2 mm और E. E कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल V के अंदर मूव कर रहा है, तो QV हम डिफाइन करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं, Q मल्टीपल V. तो V की वैल्यू हमें नहीं पता. ठीक है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज E 1.6 × 10⁻¹⁹, मास मैंने लिखा है 9 × 10⁻³⁹. पुट ऑल द वैल्यूज. ठीक है, जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा. अंडर रूट V आएगा यहाँ पे, बिकॉज हमें पोटेंशियल की फिक्स वैल्यू नहीं गिवन है. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद अंडर रूट वी को अंडर रूट वी ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह इन सभी क्वेश्चंस में आपने देखा कि किस तरह से हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. तो बेसिक फंडा क्या है, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए. लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है, फॉर रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल देखना, वहां पे रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, फॉर्मूला अप्लाई करना, वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.